बीसीए के टॉप कॉलेज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एडमिशन कैसे लिया जाए, क्या है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्या ऑनलाइन बीसीए करके निमसेट जैसा एग्जामिनेशन दिया जा सकता है और एनआईटी जैसे टॉप कॉलेज से एमसीए की जा सकती है, बीसीए के कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेजेस कौन सी है। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना फिर से लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCAQuestionAnswers, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चन के डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये एपिसोड इस Q&A सीरीज का 17th एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएससी में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है CU CET, इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और इसका क्या पैटर्न रहता है सेक्शन वाइज। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है बीसीए करने के लिए। हर स्टूडेंट जो बीसीए करने का सोचता है उसका ड्रीम कॉलेज होता है कि अगर वो यहां से बीसीए कर पाए। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो यहां पे आपको देना होता है इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि CU CET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसको क्वालिफाई करके आप बीसीए कर सकते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि कौन कौन से बच्चे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, तो आपने 12th पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि सभी स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और बीसीए कर सकते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। अब समझ लेते हैं कि ये जो एग्जाम है CU CET का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है, कितने सेक्शंस रहते हैं, कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिफरेंट टॉपिक से, जिसमें से कि कंप्यूटर साइंस सेक्शन से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग से आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके और मैथ सेक्शन से आपको 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन, इससे भी 15 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पे टोटल 120 MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स होते हैं 120 मार्क्स, 90 मिनट्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये होता है एग्जामिनेशन सेंटर में ही। तो प्रेपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहां पे मेरी ये रहेगी कि इन सभी सेक्शन में जिन सेक्शन का सबसे ज्यादा वेटेज है उन पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें, ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, इसके अलावा इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन है जो सबसे ज्यादा वेटेज के सेक्शन है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद अपने पर्सनल इंटरव्यू में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के बेसिस पे यहां पे आप इस कंप्लीट प्रोसेस को क्रैक कर सकते हैं और बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं अमन, ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है जहां से अगर ऑनलाइन बीसीए की जाए तो वो एलिजिबल मानी जाए निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर एमसीए। तो अमन, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि रेगुलर बीसीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो निमसेट जैसे एग्जाम को दे सकते हैं, वैसे ही सभी ऑनलाइन बीसीए स्टूडेंट्स भी निमसेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। निमसेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड द प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाई UGC AICT एंड DEC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आपकी जो ऑनलाइन बीसीए है वो एलिजिबल है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो ऑनलाइन बीसीए का कॉलेज है वो UGC AICT या फिर DEC अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि इन एजुकेशनल एजेंसीज द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप चेक कर लें कि जिस कॉलेज से आप ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं वो इन एजुकेशनल एजेंसीज द्वारा अप्रूव्ड है या फिर नहीं, अगर है तो आप NIMSET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आइए आप जान लेते हैं कि कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां से आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं और उसके बाद NIMSET एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे कि मणिपाल ऑनलाइन बीसीए जो कि UGC अप्रूव्ड है, MIT ऑनलाइन बीसीए ये भी UGC अप्रूव्ड है, LPU से आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं ये भी UGC अप्रूव्ड है, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग SCDL ये AICT अप्रूव्ड है, इसके अलावा इग्नू से भी आप ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन बीसीए करने के लिए। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि बीसीए में जो पढ़ाई जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें से कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आज की डेट में यूज की जाती हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट में बहुत सी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं इनमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये पुरानी लैंग्वेजेस से ही डिराइव्ड होते हैं। तो अगर आपको बेसिक लैंग्वेजेस
अच्छे से आती है तो आप इन्हें अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCA में पढ़ाई जाने वाली आपकी जो सबसे पहली लैंग्वेज है यानी कि मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, इसे आप अच्छे से सीख लें। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत सारी नए लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, उनको सीखने में फर्दर आपको आसानी होगी। आप फिर चाहे जावा में जाते हो, C++ में जाते हो या फिर पाइथन में। तो कोडिंग के करियर में अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो सी लैंग्वेज को ऑप्ट करें, और आज की डेट में इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो है पाइथन लैंग्वेज, फिर आप उस पर स्विच कर सकते हो इजीली। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS, JavaScript, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये भी आज की डेट में काफी ज्यादा यूज होती है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स भी आप अच्छे से सीख सकते हैं जब ये टॉपिक्स आपको BCA के कोर्स में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं BCA में, ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज शेयर करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCA जैसा कि एक टेक्निकल कोर्स है, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स भी होती है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैंड्स ऑन तरीके से सिखाए जाते हैं, यानी कि खुद आपको प्रैक्टिस करने होते हैं मशीन पे। तो ये तो होगी आपकी स्टार्टिंग सेमेस्टर्स की बात जहाँ पे आप प्रैक्टिकल लैब्स में प्रोग्राम बनाएंगे, डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। लेकिन जब आप अपने फाइनल सेमेस्टर्स में आते हैं, आखिरी सेमेस्टर्स में आते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, इंटर्नशिप्स करनी होती है, तो उस टाइम ये प्रोजेक्ट्स पिक्चर में आते हैं। तो अगर मैं आपके माइनर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो फिफ्थ सेमेस्टर में जाके आपको एक छोटा माइनर प्रोजेक्ट बनाना होगा, और लास्ट सेमेस्टर यानी कि सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको मेजर प्रोजेक्ट बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि अगर आप वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कोई डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं विद कंप्लीट डेटाबेस कनेक्शन सेटअप। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो इसमें आप जावा, C++ ऐसी लैंग्वेजेस का यूज करके ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। अब किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, इसे टेक्निकल टर्म में SDLC कहा जाता है यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहला होता है सिलेक्टिंग अ टॉपिक, यानी कि आपको किस टॉपिक पे किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे पहले ये आपको सिलेक्ट करना होगा। सेकंड होता है प्लानिंग एंड डिजाइन, इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या आउटपुट होंगे, उसके क्या वर्किंग फंक्शनैलिटीज होंगी, ये चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। तीसरे नंबर पे आती है डेवलपमेंट, यानी कि जब आप एक्चुअल में उस चीज को बनाना शुरू करते हो, यानी कि आप कोड करना शुरू करते हो, डेटाबेस कनेक्शंस बनाते हो और उस प्रोजेक्ट की जो फंक्शनिंग है उसे डेवलप करना शुरू करते हो। फोर्थ फेज आता है टेस्टिंग फेज, यानी कि जब आप डेवलपमेंट कर चुके होते हो तो आपको डिफरेंट आइट्रेशंस यानी कि डिफरेंट फेजेस में टेस्टिंग करनी पड़ती है कि आप जो बना रहे हो वो सही से बन रहा है या फिर नहीं, उसमें अगर कुछ बग्स आ रहे हैं तो आप उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हो और अपने प्रोजेक्ट्स को सही से फंक्शन करने लायक बना रहे हो। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली सही से बन जाता है तो आपको उसको फाइल में डॉक्यूमेंट करना होता है ताकि आप उसे प्रेजेंट कर पाए जब भी आपके फाइनल सेमेस्टर्स के वाइवाज होते हैं उसमें। और इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आप उसको प्रेजेंट करेंगे और इसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा जिसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट्स के मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये कुछ तरीका रहता है जब आप माइनर प्रोजेक्ट्स और मेजर प्रोजेक्ट्स करेंगे BCA कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्जुन पूछते हैं कि BCA के बाद और कौन से करियर ऑप्शंस है अगर जॉब नहीं करनी है तो सबसे पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप अपना बिजनेस या फिर अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स और इनिशियल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टिंग, यानी कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, ऑनलाइन उन पे बिड कर सकते हो और उन्हें कंप्लीट करके पैसा कमा सकते हो, या फिर आप कंसल्टिंग भी कर सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल सेट में बहुत स्ट्रांग हो तो उस पे कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, यूट्यूब चैनल भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक प्रकार की फ्रीलांसिंग है। थर्ड है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि आप टीचिंग साइड भी जा सकते हो, BCA के स्टूडेंट्स को फर्दर पढ़ा सकते हो, कोडिंग लैंग्वेजेस की ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। फोर्थ है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है इस पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन भी आपके पास है। और फिफ्थ ऑप्शन आपके पास है हायर एजुकेशन, यानी कि आप MCA, MBA, MSc, IT ऐसे कोर्सेज में हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया आप सभी के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे BCA फंडस बेस स्टूडेंट पे एक और ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।